Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में कौन अवश्य आने वाले हैं, who is going to come in your life next. So let's see, let's find out वो कैसे होंगे, उनकी क्वालिटीज किस तरह से होंगे, पर्सनालिटी किस तरह से होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, इंसान बेसिकली कौन है, क्या आप उनको जानते हो नहीं जानते हो. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड कम्स एज मैजिशियंस. ओके, ओके, नेक्स्ट कार्ड कम्स एज द टू ऑफ एरियल. फोर ऑफ वैंड्स, चलो आई गया. नेक्स्ट वी डू हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल. ओ वाओ, दैट्स ऑसम. एस ऑफ माइकल. ओ, सिक्स ऑफ रफाइल, दैट इज द सिक्स ऑफ कप. क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ पेंटागल्स. ओ, टेन ऑफ कप्स. आई लव इट, बेसिकली आई लव इट. Basically, I love this also. Six of Wands. Okay. So, six बहुत ज़्यादा common हो सकता है. Ten is also important. Ten, 01, 111. Okay, 11, 11, 44, 444. Okay, 22, 22. अच्छा. Aquarius, Gemini, Libra. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. अगर आप देख रहे हो कि हाँ, यहाँ पे हर एक साइन यहाँ पे मौजूद है. इम्पॉर्टेंट है इसे जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली ये कौन होंगे, आई डू थिंक सो कि इनके साथ आपका बॉन्ड या फ्रेंडशिप लेवल टू द नेक्स्ट लेवल होगा. मतलब ये आपको हंसाएंगे, आपको ये आपका टांग खींचेंगे, ये आपको हंसी मजाक में रखने की कोशिश करेंगे. कभी कभार ये गुस्सा भी दिखा सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. बट बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि जिस तरह से एक मैजिकल कनेक्शन तो होगा ही, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड कैन यू सी दिस ट्रांजिशन, आप यहाँ पे देखो, ये जो तो बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे जो है जब ये बड़े हो रहे हैं, एंड देन दे आर मर्जिंग इनटू वन फैमिली. सो बेसिकली हो सकता है कि यू नो दिस पर्सन, आप ऑलरेडी इनको जानते हो. और अगर आप ऐसे इस इंसान को नहीं भी जानते हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन जो होगा वो पूरी तरह से ना इंस्टेंट कनेक्शन होगा. ठीक है, जैसे होता है ना कि रूह पहचानता है रूह को, ठीक है, भले हमारे फिजिकल बॉडीज या माइंड पे करप्शन आ जाए, ठीक है, हमारे माइंड जो है, हमारे जो मन है वो विचलित हो जाता है, कोई और आ जाता है जो गलत इंसान होते हैं, हमारा मन कई कई बार वहाँ पे फंस जाते हैं. जो एक्चुअल हमारे लिए होते हैं, कभी कभार हम उनके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं, जनरली ऐसा होता है कभी कभार. बट दिस पर्सन is your true soulmate and he will realize this. ठीक है, भले ही रियलाइज करने में थोड़ा सा वक्त लगे, बट आप जरूर रियलाइज करेंगे, yes, this is my partner. I do find like फिर से आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, फिर जैसे अलग अलग आप अपने काम के लिए अलग अलग शहरों में चले जाएंगे, फिर आप लोग, ठीक है, यूनाइट होंगे. सो यूनियन यहाँ पे हो रहा है, रीयूनियन यहाँ पे हो रहा है. और आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आ रहे हैं जिनकी ताकत शायद आप उनको जस्ट देखने से आपको पता नहीं चलेगा, कि क्योंकि यू कैन नॉट जज अ बुक बाय द कवर और द प्राइस. ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो बुक में मटेरियल या कंटेंट बहुत ज़्यादा खास होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार चार्जेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू कैन नॉट जज दिस पर्सन. लाइक आपको इनके जो खूबसूरती है, आपको इनके अंदर जो एक ताकत है, आपको इनके अंदर जो एक, जैसा बोला जाता है ना कि यू कैन से लाइक दैट टैलेंट, ठीक है, हुनर है, तो वो आपको इनके साथ मिक्सअप होने के बाद ही पता चलेगा. एंड यू विल नो दिस ऑन अ लेटर स्टेज,
क्योंकि बाद में पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते हैं ऑलरेडी एंड आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, ये आपके रिलेशनशिप में ठीक है ऑलरेडी है। कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफ्स, काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ आप पोस्ट करेंगे इनके साथ। एंड देयर इज़ अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन नहीं है शॉर्ट टर्म में नहीं देख पा रही हूँ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। काफ़ी एक दूसरे के लिए चाहत जो है, इंटेंसिटी जो बोला जाता है ना, जैसे सूर्य देव जो है राइट, वो जब आफ्टरनून में निकलते हैं ठीक है, आफ्टरनून में जब आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी हमें दोपहर को ही मिलता है। तो सबसे तेज़ जो आप दोनों का प्यार होगा वो आप दोनों के जस्ट ऐसा समय होगा जब आप दोनों एकदम अपने मिलन के एकदम बीचों बीच में आ गए होंगे। सो एक दूसरे के बिना आप लोग नहीं रह पाओगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एक दूसरे के लिए जैसे आप लोगों का जो एक रिस्पेक्ट है बोलो, यू कैन से दैट अट्रैक्शन बोलो, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो ठीक है, वो बढ़ेगा डे बाय डे। आई डू फाइंड कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। हारमनी, हारमनी वर्ड जो है मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड हारमोनियम, सो इट मीन्स दैट एवरीथिंग शुड बी इन कोऑर्डिनेशन ठीक है। जैसे पियानोज में क्या होते हैं, हर एक कीज को सही से दबाना पड़ता है वरना बेसुरा निकलेगा, तो उसी तरह से फ्लूट में भी ऐसा ही है, बांसुरी में उसमें क्या है कि हर एक चीज़ को ठीक तरह से फिंगर पॉइंट करना पड़ता है राइट। सो एवरीथिंग शुड बी इन कोऑर्डिनेशन, तभी जाके ना एक अच्छा म्यूजिक बनता है। ओके अच्छा गाने का लिरिक्स नहीं है फिर भी गलत शब्द यूज़ करके वो गाना नहीं बनता है, वो एकदम बदतमीजी बनता है। फिर वो गाना जो होता है राइट, वो म्यूजिक जो होता है, इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट ठीक है, उसको आर्टिस्टिक फॉर्म दिया गया। बाद में वो उसको क्या किया है वो मुझे नहीं पता, बट म्यूजिक इज़ नॉट लाइक दैट। म्यूजिक मीन्स देयर शुड बी अ रिदम, सो यहाँ पे रिदम फॉलो होगा। अब दोनों में ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, रिदम अगर मिस हो जाता है तो दोनों रिलेशनशिप अचानक से डिक्लाइन हो जाता है, फॉल हो जाता है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। एक ये बोल रहा है दूसरा वो बोल रहा है, उसमें क्या मजा है। दिस पर्सन विल बी रियली यू कैन से दैट फॉन्ड ऑफ लग्जरीज, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनको अच्छा खाना पान मतलब पीना बहुत पसंद होगा, टिप टॉप एकदम उनके घर होंगे डेकोरेशन से भरा हुआ ठीक है। हर रोज़ आप देखोगे फ्लावर्स चेंज करते हुए ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि आपको कोई ऐसे जगह पे मीट कर सकते हैं जहाँ पे लग्जरियस स्टे हो, मे बी इन अ होटल और समथिंग लाइक दैट। मे बी ऐसे जगह पे आप मिल सकते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड्स पार्टीज रखे हो कोई होटल्स में और आप दोनों वहाँ पे मिल रहे हैं। एंड पहली दफ़ा में ना आपको ये लगेंगे काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है, काफ़ी बदतमीज टाइप का इंसान आपको लग सकता है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि जो हमारे साथ स्वीटली बात करते हैं हम वहीं को मानते हैं कि वही अच्छा है ठीक है। जो सत्य के आधारित पे चलता है हम वहाँ पे बोलते हैं कि सत्य जो है, सच जो है वो बहुत कड़वा होता है ठीक है। जो वैसा बोलता है तो हम उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हमें सही से आगाह कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये इंसान को देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हैं और ये सिर्फ अपने ही बारे में ठीक है, इनको सिर्फ मतलब आता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड किस्म के इंसान। बट यू विल फील लाइक धीरे धीरे कि नहीं ये सही भी है, लोगों के लिए भलाई भी करते हैं। एंड आई डू थिंक सो दे कैन डू मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम ठीक है। हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो और कभी कभार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है, डीलिंग सप्लाईज इस तरह से भी काम करते हैं। दे कैन बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में होंगे, मतलब बातचीत जो करेंगे स्पष्टता से करेंगे। ओके एंड आई डू थिंक सो लाइक दैट कि इतना दिन से जो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉर द राइट पार्टनर, आप चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में आए और आपको संभाले ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट दैट येस देर विल बी समथिंग। एंड ये जो आप देख रहे हैं मैजिशियन के हाथ में सात जो है कलर्स ठीक है, सेवन कलर्स
So, you find that they always do something very much, you can say unique. कुछ ऐसे unique कर दिखाते हैं, अपने हाथों का जादू ही है कुछ, ठीक है, उस तरह से लोगों को impress करना. ये relationship में आपका काफ़ी ज़्यादा blockage रह सकता है. कैसे कि आप इनसे मिलने के लिए जाओ तो इनका मिलने के लिए time नहीं होगा. इनके family oppose कर सकते हैं, आपकी family oppose कर सकते हैं. आपकी फैमिली अपोज ना भी करे तो भी ना, मुझे दिख रहा है कि उनको उनको इतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका कुछ अलग सा ही माइंडसेट होगा और अलग सा ही उन्होंने शायद आपके लिए रिश्ता देखा होगा. कुछ लोगों के लिए ये शायद आपकी सेकेंड रिलेशनशिप है आफ्टर द मैरिज, ठीक है. मुझे लग रहा है अगर ये शादी फिक्स हुआ तो बहुत ही हाई प्रोफाइल गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, और उनके तरफ से. और ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी होगा, या इधर आपकी एंगेजमेंट या रोका कहीं और जगह पे होगा, जो एक्चुअल प्लेस है वहाँ पे ना होगा, कुछ और जगह पे होगा, दूर हो सकता है. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डेफिनेटली लव यू द मोस्ट. आप इनके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे, एंड आई डू फाइंड कि समय बिताने से भी ज़्यादा अगर आपको वीकेंड्स भी सिर्फ मिले इनके साथ समय बिताने का, तो भी आप ऐसा अलग सा फील करोगे. बिकॉज यहाँ पे ना सोल कनेक्शन है, यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन से भी ज़्यादा सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे ज़्यादा तीव्रता से दिखाई दे रहा है. ये इंसान आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार होंगे, पर आपके साथ भी रह के ये आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका लाइक, आपका डिसलाइक्स, आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी होगा इनका. अरे ये क्या कर रही है, क्या ये क्या ये पसंद करती है, क्या मुझे करना चाहिए इसको इम्प्रेस करने के लिए, ये हमेशा सोचते रहेंगे. सो दे विल नॉट हैव एनी स्पेसिफिकली, जब आपके साथ इनका कनेक्शन होगा ना, तो आप देखोगे कि पैसे का कोई कमी नहीं है, अचानक से धन दौलत का वृद्धि होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द लक्ष्मी योग दैट इज क्रिएटेड, ठीक है. यहाँ पे देखो, ये इंसान हमेशा ही जैसे जीतने का जज्बा रखते हैं और हमेशा आपको भी मोटिवेट करेंगे दैट यू शुड ऑलवेज ओके गो फॉर द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. आई डू फाइंड कि जब ये आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे ना, तभी आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ जैसे आसान हो गया है, पहले जैसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं रहा. पहले जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सब कुछ जैसे कुछ गलत कनेक्शंस आए, आपको जैसे तबाह करने की कोशिश की है, कुछ लोग ब्लैकमेल भी किए हैं आपको, ये मुझे दिख रहा है. आप ऐसे कनेक्शन में फंसे जहाँ पे वो ब्लैकमेल करके आपसे पैसा ले रहे थे, ठीक है, और आपको फंसा के पैसा लेने की कोशिश भी कर रहे थे. बट यहाँ पे इस तरह से दिस विल बी लाइक अ स्मूथ कनेक्शन. कनेक्शंस आर लाइक दैट ओनली, कनेक्शंस जोर जबरदस्ती नहीं होता, ऐसे ही हो जाता है, इट्स वेरी स्मूथ. अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस है तो कम ही मामले होते हैं जो सुलझ जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. बट यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम से ज़्यादा आई डू फाइंड दिस इज अ प्योर सोलमेट कनेक्शन. मे बी अ ट्विन फ्लेम बट आई डू फाइंड इट्स अ प्योर सोलमेट, ठीक है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पे एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ सो मच, ठीक है. बट दिस पर्सन विल बी वेरी मच सेक्सुअली अपीलिंग, ठीक है, यस. दे कैन बी ऑफ द मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र हो सकता है कुछ लोग के लिए इंसान की, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, रेवती हो सकता है, कुछ लोग के लिए पुष्य नक्षत्र हो सकता है, पुष्य पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है, अश्लेषा हो सकता है. कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे कृतिका नक्षत्र दिख रहा है. कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे यस आई डू फाइन ओके श्रवण नक्षत्र दिखाई दे रहा है, श्रवण ओके. सो लेट मी सी विद दिस कार्ड्स ऑल्सो, ये कार्ड्स मैं कभी कम ही यूज करती हूँ, बट व्यूअर्स प्लीज बताइए इंसान कौन है, किस हालत में मेरे व्यूअर्स को मिलेंगे, प्लीज बताए व्यूअर्स. यूनिवर्स प्लीज बताएं. फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स.
एक्वेरियस जेमिनी किस हालत में मिलेंगे? देखो एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा को मिथुन तुला राशि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि। ओके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा व्यथित होंगे, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में ऐसा उनको लगेगा कि दुर्भाग्य जो है उनके सर के ऊपर मंडरा रहा है, जैसे उनको कुछ जिंदगी में कुछ हासिल हो ही नहीं सकता। ये फीलिंग्स आपका भी होगा, उनका भी होगा। कोई ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, अभी तक आप हील नहीं हुए हैं, ये रिलेशनशिप हील होने की भी ज़रूरत है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इनसे मिल रहे हो ये ऑलरेडी सेपरेटेड है किसी से, और उस रिलेशनशिप का रिग्रेट है कि मैंने क्या कर दिया, उन्हीं के वजह से मेरा जो है खराब भाग्य यहाँ पे आया। और दूसरे को होगा कि ये भी ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ पे इनकी मर्जी था वहाँ पे उनकी शादी नहीं हुआ और ब्रेकअप हो गया, या आपका हो सकता है। एंड देन सम हाउ और द अदर आपकी ज़िंदगी में एक नई दिशा शुरू हो रही है, एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके एंड ये भी हील हो रहे हैं आप भी। सो दोनों को टाइम लगेगा एक दूसरे को समझने में, ठीक है। इंस्टेंट कनेक्शन होने से ऐसा नहीं होता कि चट मगनी और पट गया, नो, इट विल टेक टाइम, बिकॉज दोनों को ही हील होना है अपने सिचुएशन से, वो मुझे दिख रहा है। एंड देन देखो हील होना है बोल के नीचे का कार्ड क्या है, स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में आप जहाँ पे, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि जहाँ पे आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, आप भी बातचीत नहीं करना चाहते, आप भी आपके मम्मी पापा का रिश्ता फिक्स भी कर रहे हैं, आप वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रख रहे, क्योंकि आप लोगों का प्यार के ऊपर भरोसा जो है बिल्कुल उठ जाएगा। नहीं प्यार व्यार बोल के कुछ चीज़ वीज़ नहीं होता है, फालतू होते हैं ये सब चीज़। इवन आपको भगवान के ऊपर भी भरोसा होना बंद हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल लूज होप, जब आपकी आशा खत्म हो रहा है, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड देन दे आर लाइक लविंग यू एंड पैम्परिंग यू, ठीक है। सो हमेशा ऐसा आपको मान के चलना है कि अगर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है तो वो सिचुएशन तो बदलेगा भी, एज लाइक द विल ऑफ फॉर्चून। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है, वो जो पहिया है, वो तो घूमेगा ही ना, वो हमेशा ही घूमते रहता है, वो घूमेगा ही। अगर सिचुएशन ख़राब है तो बेहतर होने में थोड़ा भी टाइम लगे, लेकिन बेहतर तो होगा। हमेशा बुरा वक्त ऐसा नहीं रहता है। ओके सो दिस इज़ द मैसेज फॉर एवरी वन ऑफ यू जो बहुत ज़्यादा निराशा में है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा सा डिटैच रहो, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव द टैलेंट, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को मैं प्रैक्टिकल दुनिया के साथ जोड़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और हमेशा ही आप उस तरह में ही फोकस रहे, अपना काम करना बंद कर दे जो काम के लिए आप ऑलरेडी आए हो। आपका भी तो रोल है ना यूनिवर्स में, सो आप अपना रोल निभाओ, ठीक है, पूरी तरह से। देयर विल बी अ टाइम व्हेन समवन विल कम एंड डेफिनेटली हील यू, ठीक है। वो वक्त हो सकता है कि अभी आ चुका है कुछ लोग के लिए, मैं जो देख पा रही हूँ, मे बी विद इन 4 to 5 months इट कैन बी पॉसिबल। ओके 53 tree स्पिरिट यक्षी। सो ये रिलेशनशिप यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ये जो रिश्ता है इट विल बी रूटेड, इट विल बी ग्राउंडेड। यहाँ पे क्या है, ये एवरग्रीन रहेगा, ये रिश्ता हमेशा ही एवरग्रीन रहने वाला है, और इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, सोलर रिटर्न। यहाँ पे जो ब्लैक होल है उसका मिस्ट्री क्या है कि ब्लैक होल और कुछ नहीं, जब सन और अर्थ और मून सब एक साइड में हो जाता है इस तरह से दिखता है, इट्स लाइक अ ब्लैक होल रिंग। तो कुछ यूनिक कनेक्शंस है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट्स अ नॉर्मल कनेक्शन। नॉर्मल कनेक्शन होता तो जल्द से जल्द हो जाता सब कुछ, ठीक है। ओके खुशबूदार रोज गार्डन 52। द रोज गार्डन रिप्रेजेंट्स कि आपकी जिंदगी जिस तरह से यूनिक होगा, जिस तरह से ग्राउंडेड होगा, उतना ही वो महकेगा। ओके
सो लेट मी सी द इनिशियल्स. तो इनिशियल्स देख लेते हैं. व्यूअर्स प्लीज बताएं व्यूअर्स के पर्सन की इनिशियल्स क्या है और मेरे व्यूअर्स का भी. ठीक है, अरे एक बारे में मैंने उठाया और नहीं. QVGXHOLEU1QDDH Z8 0 JTMI MIT. H टू टाइम्स D टू टाइम्स उनके हो सकते हैं. उनके नाम पे दो टाइम पे H आ सकता है, दो टाइम पे D आ सकता है. ओके, एंड अगेन फ्रॉम यूरोपियन नेशंस आई कैन सी लाइक दैट. मे बी फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम इटली, फ्रॉम एनी वेयर आई डू फील कि शायद वहाँ पे गए होंगे कभी. ओके, यस, ओके. मनीषा नाम हो सकता है किसी का, मीनाक्षी हो सकता है, मिनार्वा हो सकता है, माही हो सकता है. ओके, एजाज हो सकता है. ओके, जैद हो सकता है, वानी हो सकता है. ओके, गौरव हो सकता है. तुली हो सकता है किसी का नाम, तुली का. ओके, ट्यूलिप फ्लावर्स इनको पसंद हो सकता है. 108, ठीक है. ओके, 18th नंबर स्ट्रीट किसी का हो सकता है. ऑलराइट, बाकी आप लोग देख लेना. ठीक है, होली पे मिल सकते हो आप लोग होली के दौरान. ठीक है, होली का दहन हो रहा है उसमें आप मिल सकते हैं. शायद आप लोग अपने रिलेटिव्स के घर गए होंगे, वहाँ पे वो रहते होंगे, उस तरह से हो सकता है कि आप मिलो. बिकॉज होली आ रहा है यहाँ पे फेस्टिवल में. HOLI होली. सो सात रंग होली में ही रंग खेला जाता है. आप देखो वहाँ पे मैंने आपको कहा था. सो होली कैन बी वेरी मच स्पेशल. मे बी नेक्स्ट होली में आप उनको मिलो. ओके, उससे पहले मिल जाओ, तब जाके दोनों मिल के होली खेलो. और अगर ऑलरेडी है तो बहुत ही अच्छा, और भी खूबसूरत होता जाएगा आपका रिश्ता. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब.